हेलो, अब आ रही है आवाज बेटा? मीनाक्षी, आवाज आ रही है? अब आ रही है वॉइस? हेलो, अब आ रही है वॉइस बेटा? नहीं आ रही है? माइक कौन है? रोहित नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से आशा करता हूँ अब आवाज आ रही होगी मेरी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप बहुत कम समय पहले, आपको ये कहा गया कि पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उसके बावजूद आप इतने लोग जुड़े हो। तो जैसा मैं चर्चा कर रहा था स्टार्ट में, यही कह रहा था कि इस बार का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहा जा सकता है, पर थोड़ा लीक से हट करके कहा जा सकता है। क्यों हट करके था? तो उसकी दो वजह थी। एक तो कथन कारण वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, और दूसरी जो वजह थी, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी हैं सीधे उनसे उठा के दे दिए गए, जबकि इन जनरल हम इस तरह की टेबल्स नहीं पढ़ते हैं या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बल गतिकी से, और सीधा प्रथम कोटि पर है। प्रथम कोटि पर आप यदि पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बहुत बार प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी में, जिनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या पूछा है देखते हैं। यौगिक एक्स के प्रथम कोटि अपघटन की अर्ध आयु 126 मिनट है। टी हाफ दे रखा है आपको, अर्ध आयु आपको दे रखी है 126 मिनट। शायद पेन आपको दिक्कत करेगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ। रेड है या पर डार्क ब्लू लेते हैं। अर्ध आयु 126 मिनट दे रखी है, और ये पूछा है कि 90% अपघटित होने में कितना घंटा लगेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा। तो जो पूछा जा रहा है, जैसा मैं कहता हूँ, कोई भी सवाल सोल्व करना है सबसे पहले उस चीज़ पर ध्यान दो जो पूछा गया है। पूछा गया है समय। अब ये बात आती है कि क्या प्रथम कोटि का ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसमें समय आता हो? जी हाँ, बहुत सारे हैं, पर जो समाकलित दर समीकरण वाला फॉर्मूला है उसमें समय आ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, अपन वापस यहाँ आते रहेंगे। तो हमारे पास ये बात आ गई कि साहब, यदि मुझे ये याद है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यदि मुझे ये याद है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें समय वाला फॉर्मूला इंक्लूड है। अब समय टी चाहिए, तो टी को यहाँ ले आओ, के को यहाँ लाओ। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, टी को यहां ले गए, के को यहां लाए, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ध्यान देना बेटा, हम लोगों ने जब सवाल पढ़ा तो सबसे पहले हमने ये तय कर लिया कि क्या हमें निकालना है, क्या पूछा गया है। हमने कहा कि सर समय पूछा गया है, तो हम लोगों ने समय वाला प्रथम कोटि का फॉर्मूला लिया। प्रथम कोटि की समाकलित दर समीकरण में समय आता है, टी को यहां ले गए, के को यहां लाए, फॉर्मूला बन गया। अब किसका समय पूछा देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा 90% अपघटित होने में कितना समय लगेगा, 90%। तो क्लास में यदि आप में से कोई पढ़ा है तो ठीक बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ 90%। हाँ बेटा, 2020 का भी मैंने ही करवाया था। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पेन डार्क ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक ले लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं। तो 90% का क्या मतलब है? देखो, 90% का मतलब जब निकालना, हम लोग कहते हैं कि मान लो स्टार्ट में जो हमने इनिशियली ए इज इक्वल टू 100 लिया था, हमें मानते हैं कि स्टार्ट में ए बराबर हमने 100 लिया था। यदि 100 लिया और 90% अभिक्रिया हो गई है, इसका मतलब हुआ 90% जो क्रिया कर रहे हैं वो तो समाप्त हो गया है। तो 100 में से 90 चला गया तो कितना बचा? तो हम लोग कहेंगे जो बचा ए माइनस एक्स वो है 10। वापस से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको कहा गया कि 90% अभिक्रिया होने में कितना समय लगेगा, 90%। जब भी परसेंटेज में दिया गया है, यहाँ दो चीज़ें हमारे पास,
ए का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन, और यह है टी समय पे सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली कि मान लो 100 है, तो स्टार्ट में 100 लिया क्रियाकारक, टी समय बाद कितना बचा? आपने कहा सर टी समय बाद 90% रिएक्शन हो गई, 100 में से 90 खत्म हो चुका है, 100 में से 90 चला गया तो कितना बचा आपके? 10 बचा। इन दोनों बातों को यहाँ लिख देते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक और मेथड है, उससे भी देख सकते हो आप। ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कह सकते हो मान लो स्टार्ट में ए जो था वो 100 था, मैं कहता हूँ जितनी अभिक्रिया हुई उतना उत्पाद बनता है, उतना प्रोडक्ट बनता है। 90% अभिक्रिया हुई 90 बनेगा, 70% हुई 70 बनेगा, 80% हुई 80 बनेगा। यहाँ हमें कहा गया 90% अभिक्रिया, हम कहते हैं प्रोडक्ट जो है एक्स, एक्स बनेगा 90। ए 100 है, एक्स 90 है, तो ए माइनस एक्स कितना होगा? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी तरीका अपनाओ हम ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब ये वैल्यूज आ गई हैं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि बोर्ड नाना पड़ जाएगा, नहीं ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 0.303 अपॉन के लॉग की जगह लिख देते 100, ए माइनस एक्स की जगह लिख देते 10। अब ये समस्या है कि हम टी निकालने के करीब आ चुके हैं बट हमारे पास अभी भी के की वैल्यू नहीं है। के की वैल्यू अपन लाते हैं ढूंढ के। हमने कहा था सर कि समय पूछा गया है, समय का फॉर्मूला लिखा आपने, समय का फॉर्मूला लिख के क्या लिखा समय का फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया समय का। जब आपने ये फॉर्मूला लिखा तो फिर आपके सामने समस्या आई कि आपको के चाहिए, ए चाहिए, ए माइनस एक्स चाहिए। आपने कहा 90% अभिक्रिया हो रही है तो ए को हम मान लेते 100 और ए माइनस कितना, तो 100 में से 90% हो गई तो ये 10 बचा। दोनों चीज़ें आ गई, अभी भी के बचा हुआ है। पूरा सवाल देखोगे तो आपको कहीं भी के नहीं मिलेगा। देखो यहाँ क्या दे रखा है, एक्स के प्रथम कोटि अपघटन की अर्धायु 126 मिनट है, अर्धायु दिए के नहीं दिया है। पर हम चाहें तो अर्धायु से के निकाल सकते हैं क्योंकि आप सबने अर्धायु का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के। के चाहिए तो के को यहाँ लाओ, टी हाफ को यहाँ लाओ, के इजिकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, के इक्वल टू 0.693। आप लोग सवाल में देखो टी हाफ अर्धायु काल कितना है, आप देखोगे सर 126 हुआ है तो हम लोग यहाँ अपॉन 126 करेंगे। ये जो के की वैल्यू उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू रख देते, देखो के की वैल्यू कितनी है 0.693 मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई। मैं जनरली कहता हूँ कि जो भी लॉग है उसको आप कोने में ले जाके सॉल्व करो, उसको कोने में सॉल्व करते हैं, लॉग 100 अपॉन 10 या लॉग 10। हम लोग कहते हैं जितने जीरो हैं उसका लॉग उतना ही होगा, यहाँ एक जीरो है तो लॉग की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे काट छाट करके कैलकुलेटर की मदद से या कैसे भी करो, आपके पास आएगा 418। अब ध्यान देना ये आपके पास 418 आएगा, आप 418 देखोगे और उसको, पर ये गलत है। इसलिए गलत है कि 418 तो है मिनट में और यह पूछा गया कितना घंटा लगेगा। तो ये यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ इन्होंने ले ली कि इन्होंने अर्धायु काल दिया मिनट में, आपका टी भी आया है मिनट के अंदर, बट जो पूछा गया है वो घंटे में पूछा गया है। तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे, आपके पास 418 है, इसको डिवाइड करोगे 60 से, ऐसा करने पर आपके पास आएगा 697। ये वाला आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर जो एक गलती होने का चांस था, जो थोड़ा बहुत चेंज किया था, वो चेंज ये था बेटा कि इन्होंने घंटे में पूछ लिया था, आपका उत्तर मिनट में आ रहा था, मिनट वाला उत्तर भी इन्होंने दे रखा था, जिसे देख करके हमें लग रहा था हाँ हमने सही उत्तर खोज लिया, पर वास्तव में ये सही नहीं था। अब बेटा किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो देखो मुझे बताओ, ये जो सॉल्व करवाया फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है। यदि समान आकार के 6 परमाणुओं को जाली को विकृत किए बिना
सरल आद्य घन SCC, ये कह रहा है कि आपके पास आप एक SCC है। SCC क्या होता है? जिसके कोने पर ही परमाणु हो, इसी को SCC कहते हैं। यहाँ कोने पर परमाणु इस तरीके से, ये आपका SCC है। ये कह रहा है कि इस SCC के अंदर ही 6 परमाणु और डाल दिए। कहाँ डाले? प्रत्येक फलक के केंद्र पर, इस तरीके से। ऐसा करने के बाद जब प्रत्येक फलक के केंद्र पर डाल दिए, तो फिर ये कह रहा है कि इसकी संकुलन क्षमता, बैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, समझना। पहले क्या था साहब? पहले SCC था, पहले सरल गणीय जालक, सिंपल क्यूबिक सेल थी। अब जब फलक पर भी डाल दिया तो ये FCC बन गया। बट ये परफेक्ट FCC भी नहीं है, परफेक्ट SCC भी नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि SCC तो ये था, इसको विकृत किए बिना डाला गया, तो जो गोले डाले गए उनकी साइज इसके कंपेयर में थोड़ी कम होगी। SCC की यदि संकुलन दक्षता पूछता, पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप कहते 52.4%। FCC की पूछता तो आपने याद कर रखी है 70%। पर ये तो इन दोनों का मिक्सअप है, मिक्सअप है, तो हम इसका औसत ले लेते हैं, अपॉन 2 कर दो आप, तो नियर अबाउट आपके आ जाएगा 126/2.5, पता है 0.4 भी लेता हूँ मैं, इसका आंसर आ जाएगा 63%। तो फिर से देखना, यहाँ पर सबको कन्फ्यूजन है, बहुत सारों को, कि ये सवाल ऐसा कैसे उठ के आ गया। गूगल सर्च करने पर भी ये सवाल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ बता दें कि इसने पहले SCC लिया, जिसके कोनों पर ही कण थे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी 52.4%, इसकी संकुलन क्षमता इतनी थी। जब फलक के केंद्र डाला तो ये FCC बन गया। यदि ये परफेक्ट FCC बनता तो 74% होती। बट ये ऐसा बना कि ना तो ये SCC है ना FCC है, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इसकी जो संकुलन क्षमता है, उसको हम इन दोनों का औसत मान के चलते हैं, और दोनों का औसत लिया जाए तो 63% आएगी। 63% का मतलब होता है 63/100, और इसको आप करोगे तो 0.63, ये हमारा सही आंसर है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ लिख सकते हो, कहीं दिक्कत है तो। बिल्कुल, NCERT से उठाया गया सीधा सीधा क्वेश्चन है। NCERT में सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ते हो यदि, पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर, तो उसके अंदर कोलोइड बनाने की विधियाँ दे रखी हैं। वो जो चार विधियाँ दी हैं, चार मेथड जो दिए हैं कोलोइड प्रिपरेशन के, उनमें से एक हटा के उसकी जगह पे इन्होंने ये डाल दिया, तो हम कहेंगे कि इससे कभी भी आपके कोलोइड नहीं बनेगा। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सोल नहीं बनाती है? आप देखोगे आपको डबल डीकम्पोजिशन मिल जाएगा, द्विकपघटन मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन मिल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस मिल जाएगा, ये रिएक्शन, पर ये वाला ऑक्सीडेशन उसमें नहीं मिलेगा। तो आपने यदि उन चार अभिक्रियाओं को पढ़ रखा है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये ऐसी अभिक्रिया जो कोलोइड नहीं बना रही, हमको भी पता है SO3 प्योर गैस बनेगी, तो कोलोइड का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर। BHU इनसाइडर को किस में दिक्कत है बेटा? तो सीधा साधा क्वेश्चन था, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, हिंदी वाला नेक्स्ट पेज पर होगा। मेटलर्जी का क्वेश्चन है। हाँ हेलो बेटा, सभी को एक बार फिर से हेलो, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड इवनिंग। धातुकर्म है, मेटलर्जी से क्वेश्चन आया ये। आपने धातुकर्म में वात्यापट्टी और ये सारा पढ़ा हो फर्नेंस के बारे में, आयरन का जो निष्कर्षण है वो पढ़ा हो, लोहे का निष्कर्षण, तो देखो दो लाइनें ये कह रहा है, और इन दो लाइनों को पढ़ के बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। लोहे के निष्कर्षण में वात्यापट्टी में SI व P को ऑक्सीकृत करने के लिए चूना पत्थर को घालक के रूप में मिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट सही वाला किसमें? इसमें ये फर्स्ट सही है कह रहा है, ये तो नहीं सकता, इसको गलत कह रहा है, इसमें भी फर्स्ट सही कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये बात तो तय होगी कि या तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब फर्स्ट और इसमें से। फिर ये क्या कह रहा है? हमने कहा था फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट सही है। दूसरा देखो, दी गई अभिक्रिया वत्यापट्टी में ये ताप दे दिया, आयरन के निष्कर्षण में कदम है ये वाली अभिक्रिया। आप कहोगे ये वाली अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, आयरन के निष्कर्षण के लिए ये अभिक्रिया होती है, Fe+CO विल गिव Fe+CO2, आपको ने पढ़ी भी होगी ये वाली रिएक्शन। तो इस तरह की कोई भी अभिक्रिया वहाँ नहीं हो रही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये वाली अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो ये गलत कथन है। तो फर्स्ट सही है, ये देख लो ये वाला आपका आंसर हो गया, कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड है वो गलत है। ठीक है,
तो देख लो, ये चूना पत्थर को गालक के रूप में डालते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर इस तरह की अभिक्रिया तुमने वहां नहीं पढ़ी होगी, तो ये सीधी बात है, गलत अभिक्रिया है। ये मैच करो, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत दिए इस बार, कथन कारण और मैचिंग दोनों ही बहुत सारे दे दिए। कोई बात नहीं, मैच करते हैं ना। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या मैच करना है, ए बी सी और डी किसका क्या है, एक एक को चुन चुन के लेंगे। नहीं, गैस इन गैस, गैस में गैस देखते हैं, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम नहीं है, खत्म मामला। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कह सकते हो गैस। नहीं बेटा, ये आईसीएआर 2021 का पेपर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस हैं, तो ये गैस इन गैस हो गया, तो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड हो गया साहब, चलो काम खत्म। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस देखो कौन सा है, सॉलिड इन गैस, हाइड्रोजन इन पैलेडियम ये तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, गैस इन सॉलिड है। कैम्फर कपूर इन नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल ये सॉलिड है, ये गैस के अंदर है, तो थर्ड वाला सही है। गैस इन लिक्विड, वैसे तो आधे से ही काम हो जाएगा आपका, देखो ये सेकंड और थर्ड किसमें, सेकंड ये और थर्ड ये, इसी से काम हो गया, पर फिर भी हम पूरा सॉल्व करते हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, गैस इन लिक्विड नहीं होते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जलीय जीव है वो खत्म हो जाते। गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस, बिल्कुल ये बेटा सही है आपका, पहले अपन ने इसका कर दिया फोर्थ, और ये वाला फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये सही आंसर है। देखना क्या दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मैं वापस आपको बता दूं बेटा, ट्वेल्थ लेवल का ही है, ध्यान देना, ट्वेल्थ लेवल का है, एनसीईआरटी से उठाया गया पेपर है, ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें एक टेबल बनाई, मैंने कहा ना इस बार टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, सॉल्यूशन में एक टेबल बनाई है, उस टेबल में जो एग्जाम्पल दिए सारे वो के वो एग्जाम्पल लिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ऐड करूँ, एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वापस, देखो बेटा यहाँ एग्जाम्पल ध्यान से देखना, आप खुद तय करना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, पैलेडियम क्या है आपके, सॉलिड है, गैस इन सॉलिड का हो गया एग्जाम्पल, गैस इन सॉलिड कहाँ है, देखो यहाँ से गैस इन सॉलिड, ये डी का फर्स्ट हो गया, तो आपके पास यहाँ आ गया साहब कि हमारा जो डी है उसका तो फर्स्ट हो गया। उल्टा देख रहे हैं आपके बारे में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, दोनों ही गैस है, गैस में गैस, सेकंड है गैस में गैस, ये वाला ए का हो गया सेकंड, हमने कर दिया ए का सेकंड। फिर कैम्फर, कैम्फर क्या है, सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस हमको पता है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ये रहा बी, बी का थर्ड हो गया। और एट लास्ट जो बचा, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन तो गैस है और वाटर हमारा लिक्विड है, तो फोर्थ वाला गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सी का हो गया फोर्थ। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये वाला है आपके आंसर। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली जो पूछा जाता है इसके अलावा वो है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का अच्छा एग्जांपल है आपके अमलगम जितने भी हैं, नहीं जैसे जिंक अमलगम है, तो जिंक अमलगम क्या है, जिंक HG, देखो बेटा जिंक लिक्विड इन सॉलिड, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है। सोडियम अमलगम, दोनों सॉलिड दिख रहे पर हमको पता ना पारा तो लिक्विड है, जितने भी लिक्विड वाले हैं वो ये वाले एग्जाम्पल से। ये देखो ये बहुत लेंदी वाला प्रश्न था, इसको देखो सॉल्व करो आप। करते हैं क्या पूछा, पहले पढ़ लेते हम लोग। एक जलीय विलयन में Na2S2O3, बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, का इतना भार है, विलयन में इसका मोल अंश पूछा है और कुल भार दे रखा 1250। क्या करना है,
पूछा क्या है साहब? मोल अंश पूछा है, तो वहीं से शुरू करते हैं। मोल अंश पूछा है एक्स, मोल अंश क्या होता है जिसकी बात कर रहे हैं उसके मोल, विलेय की बात कर रहे हैं तो विलेय के मोल बटा कुल मोल। तो आप लोग कहोगे सर ये दोनों मोल मिल गए ना, तो हम मोल अंश ले आएंगे। यहाँ बेटा मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, कैसे प्रश्न सॉल्व करना उस अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना वापस से, हमने कुछ नहीं किया, हमने सवाल को पढ़ा ढंग से, पढ़ के तय कर लिया क्या पूछा है, मोल अंश पूछा है। मोल अंश पूछा है तो मोल अंश का फॉर्मूला लिख दिया हमने ये वाला, पर सवाल के अंदर तो कहीं पर भी मोल दिए हुए ही नहीं है। सवाल के अंदर कहीं पर भी मोल नहीं दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमको मोल निकालने पड़ेंगे। और मोल कैसे निकाले साहब? तो मोल तो होता है ग्राम में भार बटा अणु भार, ठीक है ना, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास। तो वेट इन ग्राम चाहिएगा, वेट इन ग्राम भी नहीं दे रखा है, समस्या बहुत भारी है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो दिया है वहाँ तक, यहाँ ये दिया है कि कुल वजन 1250 है और इतना जो है वो Na2S2O8 है, 37.92। तो यहाँ क्या दे रखा है इसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको इन्होंने ये कहा सब, हमने Na2S2O8 लिया, पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद हमने बना दिया सॉल्यूशन, विलयन बना दिया। जो विलयन बना वो बना टोटल 1250 ग्राम, जानकारी दी है। देखो यहाँ पर मैं बार बार आगे पीछे हो रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, विलयन का भार दिया 1250 ग्राम, इसका कितना दिया, इसका दिया इन्होंने 37.92% दे रखा है। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि इसका 37.92% है। सबसे पहले तो इसका वेट निकालो, 1250 इंटू, सही नहीं दिख रहा इसको मिटा देता हूँ मैं, 1250 इंटू 37.92/100। इससे पता लगेगा कि ये Na2S2O8 कितना है। मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल दे दिया है, तो ये आ जाएगा 474 ग्राम। तो इसका आपको मिल गया, ये कितने ग्राम है, तो साहब 1250 में से इतना ये है तो बचा हुआ पानी ही होगा, तो 1250 माइनस 474 करो, जो बचेगा ना वो पानी ही होगा, करो 474 कितना आ रहा है आपके, देखो यस 776 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमने ये तय किया कि इन दोनों का वेट निकाल लेते हैं। कैसे निकाला फिर से देखना, इन्होंने कुल वेट दे रखा है 1250 ग्राम सवाल में दे रखा है। ये कहा है कि Na2S2O8 है वो 37.92% है, हमने कहा 1250 का इतना परसेंट कितना होगा, तो ये आंसर आ गया 474। यदि ये है तो 1250 में से 474 घटा दो, जो बचेगा वो पानी हो जाएगा। अब इनके मोल निकालते हैं, इसका यदि आप मोलर मास निकालोगे तो 158 आएगा इसका मोलर मास। तो क्या करोगे, मोल 474/158, इससे आप क्या निकाल रहे हो, मोल निकाल रहे हो। अच्छी बात है, इजीली कटेगा और 3 मोल आ जाएंगे। पानी के मोल निकालने तो 776/ पानी का यदि आप मोलर वेट निकालोगे, मोलर मास तो 18 है, अणुभार ये 18 आ गया, इससे आप इसको काटो, यदि आप इसको काटते हो तो 43.1 आ जाएगा। तो आपके पास जो चाहिए था आपको वो चीज़ें लगभग आ चुकी हैं। विलेय के मोल चाहिए थे, इसके मोल आ गए 3, कुल मोल चाहिए थे, दोनों को जोड़ दो, 43.1 प्लस 3 46.1, ये कहलाएंगे आपके कुल मोल, कुल मोल भी आपके पास आ गए। अब ये जो कुल मोल है इससे इसको डिवाइड कर दो, थोड़ा भारी काम है, थोड़ा मैं कह रहा हूँ वास्तव में तो बहुत भारी काम है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.065। सो यहाँ जो आपका आंसर है वो ये वाला सही है। तो जैसा मैंने कहा लेंथी सवाल था बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका कोई आंसर नहीं दिया जा सकता ना। आप यदि पेपर उठा के देखोगे तो हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं रैंडमली ना, मान लो इस बार किसी चैप्टर से नहीं आए, पर आप 10 साल के पेपर उठाओगे तो आप देखोगे हर चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं। फिर भी ज़्यादा ध्यान देना है तो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पर ध्यान दो, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये और बात है गया ICR में नहीं मिले इतने, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग। हाँ रजनीश, मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ और जल्द ही आ जाऊँगा ऑनलाइन क्लासेस में भी।
अभी तो पेपर सोल्व करवाने आया हूँ, तो अपन इसी को करते हैं। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हमको मोल अंश पूछा था, हमने कहा मोल अंश निकालने से पहले मोल तो निकाल लें। आपने कहा सर मोल कैसे निकालोगे, कहा बेटा मोल का मतलब होता है ग्राम में बार बटा अणु भार, तो सर पहले ग्राम में भार चाहिएगा। कहा बिल्कुल ग्राम में भार निकालेंगे, कुल भार इन्होंने दे रखा है 1250 ग्राम, ठीक है सर 1250 कुल है, ये कितना है तो इन्होंने परसेंट में दे दिया, 1250 का इतना परसेंट किया तो Na2S2O3 का भार आ गया, जब इसका भार आया तो 1250 में इसको माइनस किया तो वाटर का आ गया, फिर भार में अणु भार का भाग दिया तो मोल आ गए, और मोल की सहायता से मोल अंश हमने निकाल लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, देखो यहाँ पर ये बहुत आसान सा प्रश्न दे दिया डेक्रोन के लिए। डेक्रोन जानते हो ना, टेरिलिन या डेक्रोन पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं लोग बाग, क्रीज रोधी कपड़े होते हैं ना, जिनको ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, पेट जार जो होते हैं वो भी इसी के होते हैं। पेट जार कौन से हैं? देखे कभी पेट जार अपने? पेट जार से मतलब है जो बढ़नी आती है ना सामान रखने की प्लास्टिक की, कई बढ़नियाँ जो इससे बनती हैं, तो डेक्रोन से क्रीज रोधी कपड़े बनते हैं जिस पर सल नहीं पड़े, पेट जार बनते हैं। पेट जार में गूगल हो पाए तो दिखा देता हूँ आपको। गूगल कहाँ आएगा सर, पेट जार दिखा रहा हूं मैं आपको, आपने देखे होंगे, अच्छी बात है, नहीं तो यहां देख लेते हम लोग। जो डेक्रोन से बनते हैं ना, पेट कंटेनर सबने देख रखी है, बस यहां इमेजिन करना। देखे हैं सारे, होप करता हूँ आपको दिख रहे होंगे ये सारे, ये पेट जा रहे बेटा, ये डेक्रोन से ही बनते हैं, ठीक है ये सारे। ये आपका पेट जा रहा है, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि किससे बनता है की बात आती है यदि, तो आप लोग आसानी से कह सकते हो जो ये पेट जा रहे जो बढ़निया हैं या हमारे जो पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये बनती हैं एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिकम्ल। ये थोड़ा यहाँ गलत दिख रहा है, टर्थेलिकम्ल ध्यान रखना। टर्थेलिकम्ल क्या है, दोनों पास पास होते हैं CWH, एक CWH यहाँ एक यहाँ, तो थैलिक कहलाता है, पर यदि दोनों पैरा पोजिशन पर हैं तो ये टर्थेलिकम्ल कहलाता है। ना थैलिकम्ल देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यदि दोनों CWH पास पास हैं, ऑर्थो पोजिशन पर CWH है यहाँ पर, ये थैलिकम्ल, इसको मेटा पे लाओगे तो आइसोथैलिकम्ल और पेरा पे लाओगे टर्थैलिकम्ल। तो टर्थैलिकम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों मिल करके आपके कहीं ना कहीं डेक्रोन का निर्माण करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, किरियल कार्बन की संख्या पूछी है, और किरियल कार्बन कहाँ पूछे हैं, इन्होंने पूछे हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने किरियल कार्बन है। देखते हैं हम क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो किरियल कार्बन भी पता लग जाएंगे। रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, आपको देखो ये वाली CH3CH2 है, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ, ठीक है मिसप्रिंट हो सकता है, अच्छा CH3 है, ठीक है ठीक है। CH3CH2 CH, इसको एलईडी लिख रहा हूँ, CH3 CHO, सी डबल बॉन्ड ओ और H, इस पर बेटा ये रिएक्शन करवा रहा किसी CH3OH की, ये रिएक्शन है नाभिक स्नेही युग्मात्मक अभिक्रिया। कैसे होती है अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है, इसमें से जो प्लस वाला हिस्सा है वो माइनस पे जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस पे, CH3O माइनस और H प्लस, जो H प्लस है वो तो यहाँ जुड़ जाएगा, H तो यहाँ जुड़ेगा, और जो OCH3 है वो यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा फाइनली आप लोग पढ़े होंगे CH3 CH2 CH CH3। देखो यहाँ तो तुम्हें सेम लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH3, CHO था इसका क्या हुआ, ये C डबल बॉन्ड O हो गया था,
ये एच था, जब इसको जुड़ना था जो एच प्लस था वो तो इस माइनस पे जुड़ा, और ओ सी एच थ्री था वो यहाँ जुड़ गया। सबसे पहले प्रोडक्ट बना लिया। अब कितने किरियल कार्बन है? किरियल कार्बन आपने पढ़ा होगा, किरियलिटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका क्या मतलब है, हाथ। जिस प्रकार हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, मिरर इमेज हैं, आप यदि कांच में इस हाथ को देखोगे ऐसा दिखेगा, तो दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, मिरर इमेज हैं, बट एक दूसरे को ढकते नहीं है। देखो आप ढकने की कोशिश करोगे मछली जल की रानी रह जाएंगे दोनों। तो जिस प्रकार हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं परंतु एक दूसरे को सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं कर पाते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, ऐसा ऐसा पदार्थ जिसका दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, उसको नहीं ढक पाए, किरियल कहलाता है। किरियल कार्बन की पहचान है कि उसकी चारों संयोजकताएं अलग होनी चाहिए। आप यहाँ देख लो, यदि आप इस किरियल को इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4 यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ ओ एच ओ सी एच थ्री, यहाँ ये समूह, चारों संयोजकता अलग है, ये किरियल हो गया। इसको देखो, इसके भी इधर कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन या सी एच थ्री या एथिल ग्रुप, ये भी किरियल है। ये नहीं, क्योंकि इसके दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसके तीन, इसके तीन। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग हैं किरियल कार्बन कहलाएगा। तो ऐसे हमको इस पूरे के अंदर केवल दो कार्बन मिले हैं, तो ये दो जो है वो इसका सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? डाई नाइट्रोजन, अच्छा हिंदी वाला लूँ, ये लो, एन डबल बॉन्ड एन आबंध की उच्च आबंध ऊर्जा की वजह से डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय है। 100% नाइट्रोजन जो है वो हम कहते हैं कि साहब नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर अक्रिय या बहुत कम क्रियाशील, ऐसा कह सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन है। कम क्रियाशील होने की वजह से आपने देखा होगा कि इसको उसके अंदर भरा जाता है, चिप्स और उस पैकेट के अंदर भरा जाता है। तो जितने हम फूले फूले पैकेट आते हैं चिप्स के, और क्या कहते हो बालाजी और बिकाजी, और उस सब के अंदर कहीं ना कहीं ये भरा हुआ रहता है नाइट्रोजन गैस। सोडियम एजाइड आपने नाम सुना होगा, सोडियम एजाइड जो है वो हमारे जो एयर बलून होते हैं कार के अंदर उसमें भरा होता है। जब टक्कर लगती है और आदमी उससे टकराता है तो क्या होता है, टकराने पर वो बलून फूटता है, उसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। भर के तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी भर सकते थे, ऑक्सीजन भरते तो भी वो टकराता, टकराने पर वो बच जाता, पर फटने के बाद जब ऑक्सीजन निकलती तो ऑक्सीजन जलने में सहायक थी, बट क्या भरा गया, सोडियम एजाइड, क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है, कम क्रियाशील है, अक्रिय है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी, ना तो आग लग पाएगी ना ही व्यक्ति को चोट लगेगी। तो ये तो बहुत बड़ा प्रूफ है। अमोनिया के उत्पादन के लिए कंडीशन चाहिए, ठीक बात है। ये नहीं भी याद है तब नेक्स्ट पढ़ लो। डाई नाइट्रोजन कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त तो होकर मुख्य रूप से संसंयोजक नाइट्राइडों को बनाती है। ये ठीक बात है कि नाइट्रोजन धातुओं के साथ नाइट्राइड बनाती है, यह सत्य वचन है। बस यहाँ एक लाइन पर ध्यान देना है बेटा, कि नाइट्रोजन जो है, आप नाइट्रोजन और मेटल धातु ये मिलकर नाइट्राइड बनाएंगे, ये सत्य बात है। बट ये जो नाइट्राइड होते हैं ना बेटा, ये आयनिक होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। तो इसने पूरी लाइन सही लिखी, इसने क्या कहा, नाइट्रोजन है वो धातुओं से मिलकर के नाइट्राइड बनाती है, सब सही लग रहा है, पर सहसंयोजक नाइट्राइड नहीं बनाती है। तो इसने पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। साहब ये सही होते होते रह गया, ये कथन सही होते होते थोड़ा सा बच गया। आप तैयारी करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, जो भी कोचिंग से आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ ये दे ही रखें, ये साथ में आपके देख लो ये नंबर है, आप कांटेक्ट करो, बात करो, और वास्तव में तैयारी करने का मूड है तो ऑन टाइम ज्वाइन करना। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो पेपर टाइट किया था। जनरली ओजोनोलाइसिस पूछा जाता है, ओजोनीकरण पूछा जाता है, ओजोनी अपघटन पूछा जाता है, इस बार ओजोनी अपघटन नहीं पूछा, इन्होंने उल्टा पूछ लिया। इन्होंने कहा कि ओजोनी अपघटन तो हमने करा दिया साहब, और ये चीज़ें मिली हैं, हमने किसका ओजोनी अपघटन कराया ये बताओ। सामान्य तौर पर क्या पूछा जाता है कि साहब ये एल्कीन है, इसका ओजोनी अपघटन कराओ और क्या बनेगा, इस बार उल्टा पूछा, ये तो हमने बना दिया है, हम ये भूल गए हैं कि किसका कराया था, आप तो ये बताओ। तो अब उल्टी रिएक्शन लगानी है, उल्टी कैसे लगाते हैं देखते हैं हम लोग। ओजोनोलाइसिस पर एक एल्कीन ए, ये एल्कीन है जो
एक मोल तो ग्लाइऑक्सल दे रही है, ग्लाइऑक्सल कहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बना लेते हैं CHO, ये ग्लाइऑक्सल दे रही है। मैं नेक्स्ट पेज पर ही बनाऊंगा। एक मोल ग्लाइऑक्सल मिल रहा है और 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन मिल रहा है। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा था एक मोल तो ग्लाइऑक्सल CHO और CHO ग्लाइऑक्सल मिल रहा है और 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन मिल रहा है, तो एक मोल तो ये मिल गया, 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन है और साइक्लोहेक्सेनोन है ये वाला। यहाँ भी सेम ले लेते हम लोग, तो इससे क्या प्रोडक्ट बता दिए। इसने कहा साहब कि किस एल्किन से ये दोनों बने होंगे, तो यदि आप सीधा जाते हो तो ओजोनीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं रेट्रो ओजोनोलाइसिस, रेट्रो तो उल्टा, तो आपको कुछ नहीं करना, सारे ऑक्सीजन को हटा दो। भाई ओजोनीकरण में आपने क्या किया, ऑक्सीजन ही तो जोड़े, सब ऑक्सीजन को हटा दो, किससे बनाए पता लग जाएगा। हम सारे ऑक्सीजन को पकड़ के हटाते, इन दोनों को हटा दो यहाँ से, इन दोनों को भी हटा दो, इन ऑक्सीजन को हटा दो जो जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, नहीं एल्किन पर क्या बचा देखते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये तो हट गया CH बॉन्ड CH, ये हट गया डबल बॉन्ड, और ये तो ये हमारी एल्किन थी। आप यदि इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे बेटा तो ये तीनों आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसका इन्होंने ओजोनोलाइसिस करवाया था, दोनों जगह पे ओजोन जुड़ी थी, जब दोनों जगह पे जुड़ी, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा, इसको भी मिले दो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो सही है। तो सामान्य तौर पर ओजोनीकरण करने पर क्या उत्पाद मिलता है वो पूछते हैं। अब के बारे ये उत्पाद दे दिया और पूछा कि कौन सा क्रियाकारक था जिसके ओजोनीकरण से ये बना, तो हमको बताया कि ओजोनीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। अब जब उल्टी डायरेक्शन चलानी है तो इन ऑक्सीजन को हटा दो यहाँ से, इसको हटाते आपको क्रियाकारक वापस मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। इसको देखो, फिर से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सीधा सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है, ठोस अवस्था 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एक टेबल दे रखी है, उस टेबल से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है, यहाँ तक कि क्रम भी नहीं बदला इन्होंने। तो आप इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर वो टेबल याद है तो हम ये सॉल्व कर पाएंगे। जनरली हम लोग उसको बहुत बार नहीं याद करते हैं, पर यहाँ कहा जाता है, यहाँ के जो आपके बुकलेट है उसमें भी आप पीछे देखना वो टेबल दे रखी है, तो अब ध्यान देना। गणीय कौन है, थोड़ा बहुत याद रखो, हिंदी लूँ, गणीय कौन है साहब, तो गणीय इसमें से कौन है, इतना को ध्यान होगा, जिंक ब्लेंड है। फिर द्विसम लंबाक्ष कौन सा है, TiO2। विषम लंबाक्ष कौन सा है, KNO3। एकांताक्ष कौन सा है, ये वाला। तो ये सारे आप मैच देखो, गणीय जिंक ब्लेंड, ए का थर्ड यानी इन दोनों में है, इन दोनों में कोई ना कोई होगा। आगे देखते हैं, द्विसम लंबाक्ष कौन है, TiO2। बी का फोर्थ यहाँ है नहीं, ये तो सीधा आंसर मिल गया आपको। तो बहुत बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत है आपको, जो आते हैं ना 4 में से मान लो को 2 भी याद है, उन 2 को आप ढूंढ लो, वो कॉम्बिनेशन जिस आंसर में है उससे आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने केवल 2 ही ढूंढे, 2 फर्स्ट सेकंड, इन 2 के आधार पर मैंने कहा कि ये 2 कॉम्बिनेशन और किसी में नहीं है तो ये सही उत्तर है। तो जरूरी नहीं है कि सारे आंसर देखे जाएं। ये सीधा सा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, किसका क्या नाम है, आप सबको एक को तो पहचानते ही हो, इसको तो एटलीस्ट पहचानते हो ना, ये रिसोर्सिनोल, ये है आपका रिसोर्सिनोल, ये हाइड्रोक्विनोन, ये ऑर्थोक्रिसोल और ये केटेकोल। ए का फर्स्ट है, डी का फोर्थ है, जिसका जो है वो इन दोनों का अदला बदली हो गई है, तो सही उत्तर आप देख लो, ए का फर्स्ट इसमें है, ए का फर्स्ट इसमें है, डी का फोर्थ इसमें है, ये वाला सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे नाम है बेटा जो पूछे गए थे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। फिर आ गया कथन कारण, लिथियम हैलाइड सामान्यतः सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्यों होते हैं, लिथियम आयन की उच्च ध्रुवीय क्षमता के कारण, ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है।
और व्याख्या भी सही है, तो ए वाला सही है। लिथियम हैलाइड जो वो सहसंयोजक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही बात है कि ऐसा इसलिए होता है कि लिथियम का छोटा आकार होता है तो उसकी पोलराइजेशन पावर, ध्रुवीकरण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों सही भी हैं और इसका ये सही व्याख्या भी है। ये H2SO4 के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए देखते हैं अपन। उच्च वाष्पशील तरल को नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रश्न सुनना, निम्नलिखित विकल्पों में से सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए कौन सा विकल्प गलत है? गलत उच्च वाष्पशील, सर कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो। प्रबल अम्ल, बिल्कुल सही है सर, प्रबल अम्ल है। जल के लिए ज्यादा बंधुता, सर ये भी ठीक है ना, आसान से घुलता है जल में। सर ऑक्सीकारक भी है, तो नहीं पता है फिर भी हम कह सकते हैं। तो हम लोग जनरली ये कहते हैं क्लासेस में कि भाई आप यदि एक सही उत्तर नहीं मिल रहा है तो बाकी तीन को गलत साबित कर दो। तो हमको सही नहीं मिल रहा था, हमने कहा ठीक है हमको जो पता है उसको राइट तो कर दें। प्रबल अम्ल सही बात है, ज़्यादा बंधुता सही, ये तीनों बातें सही थी, तीनों सही थी, तो यही बची जो गलत होगी। तो ये साबित हो गया कि ये वाली बात आपकी गलत बात है, तो उच्च वाष्पशील नहीं है। देखो एक बार फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कथन कारण वाला। ध्यान से पढ़ना, दो कथन दिए, एस्पार्टम एक मेथिल एस्टर है जो कि एस्पार्टिक अम्ल और एलानिन से बना है। सुनना, दूसरा, एस्पार्टम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। दैनिक जीवन में रसायन, ये वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 473 पर जाओगे, पुरानी किताब होगी तो अलग भी हो सकता है पेज नंबर, पर दैनिक जीवन वाले रसायन में खाद्य परिरक्षक और जो स्वीटनर और ये जो सारा दे रखा है ना, तो जो मिठास वाले हैं वहाँ पर जाओगे तो ये चारों लाइनें एज इट इज आपको 1 2 3 4 5 पांचों लाइनें ऐसी कैसी छपी हुई मिलेंगी। बस एक फर्क है, क्या फर्क है, वहाँ आप देखोगे तो पाओगे कि वहाँ लिखा है एस्पार्टम एक मेथिल एस्टर है जो एस्पार्टिक अम्ल और एलानिन नहीं है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है फेनिल एलानिन। किसे बनाए? फेनिल एलानिन से। तो क्या किया इन्होंने, पांचों लाइनें एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के डाल दी, पर उन पांच लाइनों में से एक शब्द गायब कर दिया। एक शब्द के गायब होते ये वाला कथन गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, कहाँ है देखते हैं अपन। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत, फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। सी वाला आंसर सही है, एक बार वापस से देख लेना। हंसी ये वाला फर्स्ट गलत है किंतु सेकंड सही है, तो प्लीज एक बार देख लो, जहां दिक्कत है मुझे बता दो यहां तक में। सीधा प्रश्न था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं, आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने हैं। मेंडलिक के आवर्त सारणी में आवर्त 12 हैं, वर्ग 9 हैं। कोई कन्फ्यूज़न है एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में नीचे सारे बने हुए हैं, टेबल पूरी मेंडलिक की गिन लो, आपको गिन के 12 आवर्त भी पता चल जाएंगे, 9 वर्ग भी पता चल जाएंगे। फिर आ गया स्टेटमेंट, देखो अध्रुवीय एल्किल समूहों से घिरे होने के कारण सिलिकॉन की जल प्रतिकर्षी प्रकृति होती है। सिलिकॉन हाइड्रोफोबिक होता है, जल से दूर भागता है, जल को अपन से दूर भगाता है। सही बात है, क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर क्या है, अध्रुवीय एल्किल समूह है। सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल अथवा एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड होता है, ये भी सही बात है, दोनों सही चीजें हैं। सर कहाँ से आया कृष्ण बेटा, 11th पी ब्लॉक देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर 1 2 3 4 चारों लाइनें एक साथ एज इट इज मिल जाएंगी। उन्हीं चारों लाइनों को दो टुकड़ों में तोड़ा गया और ये दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, अमोनियम डाइक्रोमेट को तोड़ दो क्या बनेगा? सर सब बनेंगे ऐसे ही तो दिख रहे हैं,
ठीक है, फिर पता करते क्या बनना चाहिए। अमोनियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट याद है, के टू सी आर टू ओ सेवन, पोटेशियम डाइक्रोमेट याद करते हैं हम, के टू सी आर टू ओ सेवन, के टू उसकी जगह अमोनियम ले लो, एन एच फोर टू, ये अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। इसको तोड़ते हैं, गरम करेंगे, गरम करते ही सारी गैसें भागेंगी। पहले तो कौन कौन सी गैस बन सकती है, एन है, दो एन है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, पानी निकलना था या गरम करोगे तो, कितना पानी, चार एच टू है, चार एच टू ओ भी निकलेगा। अब क्या बचा वो तय करते हैं, ये सारा निकल गया, सी आर टू बच गया, सी आर टू तो बच गया सर, ऑक्सीजन कितने बचे सर, चार ऑक्सीजन चले गए बेटा, चार यहाँ चले गए, देखो आप सात में से चार चले गए तो तीन ही बचे, ऑक्सीजन बचे तीन, तो कहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सर सब में है, ठीक है, एच टू ओ सर, नाइट्रोजन एच टू ए रहे सर, यहाँ भी है, पर ध्यान देना यहाँ सी आर ओ थ्री और यहाँ सी आर टू ओ थ्री है, तो ये वाला सही आंसर है आपका, क्योंकि सी आर टू ओ थ्री ही बचेगा, सी आर ओ थ्री नहीं बचेगा। क्लियर है बेटा, किस द्विबंध की एंथैल्पी किलो जूल में 298 केल्विन ताप पर अधिकतम है, सीधी बात है जिसमें भी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, ये सेम सेम है, ये पहला ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अधिक है तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। फिर आ गया, देखो इसको, टी आई एच टू ओ सिक्स सी एल थ्री गर्म करने पर पानी के अणुओं को निकालकर रंगहीन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, यही एग्जाम्पल है जो उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में दे रखा है, इसको गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा, टी आई सी एल थ्री बचेगा, पानी निकल जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। सर पानी निकलने से क्या हुआ बेटा, पानी वाटर या लिगेंड का काम कर रहा था, लिगेंड यदि चला गया तो क्रिस्टल क्षेत्र का विपटन नहीं होगा, हमने पढ़ा था आपको याद होगा, ये पांच डी कक्षक हैं, लिगेंड की उपस्थिति में दो भागों में बढ़ जाते हैं, हाई एनर्जी और लो एनर्जी, उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है वो जब यहाँ से यहाँ जाता है तुम कहते साहब डी से डी में ही तो गया, तो डी डी संक्रमण या डी डी ट्रांजिशन, और इस डी डी संक्रमण डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही हमारा जो पदार्थ है वो कलरफुल दिख रहा था, रंगीन दिख रहा था, पर लिगेंड चला गया तो ये विपटन नहीं होगा, विपटन नहीं होगा तो डीडी संक्रमण नहीं होगा तो रंग भी नहीं दिखेगा, सेकंड लाइन यही है, लिगेंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपटन नहीं होता है इसलिए पदार्थ रंगहीन हो जाता है, दोनों बातें सही हैं, तो हम लिखेंगे साहब ए और आर दोनों सही भी हैं और इसकी सही व्याख्या भी है, कोई प्रॉब्लम हो बेटा बोलते रहो। साबुन जैसा स्पर्श, यह भी लाइन ऐसी कैसी एनसीईआरटी से उठाई गई है, साबुन जैसा जो स्पर्श है वो ऑर्थोबोरिक अम्ल का है, एच थ्री बी ओ थ्री का है, कार्बन का संकरण किस में बदल रहा है साहब, अभी कौन सा संक्रमण है, संकरण है सॉरी, यहाँ देखो आप एक बॉन्ड दो बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एस पी टू संकरण है, रिएक्शन हुई और ये बन गया, क्या रिएक्शन हुई होगी देखते हैं अपन, यहीं पर बताता हूँ मैं, देखो ये डबल बॉन्ड ओ है, ये भी नाभिक स्थिति युग्मक अभिक्रिया है, साइनाइड जुड़ रहा है, ये यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होगा यहाँ जाएंगे तो ये कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आपको बताया सी एन माइनस है वो प्लस पे जुड़ेगा तो यहाँ जाके सी एन जुड़ जाएगा, ये इस कार्बन पे सी एन यहाँ जुड़ जाएगा तो इस कार्बन पे सी एन जुड़ गया, ओ पे एच जुड़ गया, संकरण क्या हुआ तो ये कार्बन जो पहले एस पी टू था अब की बार इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एस पी थ्री हो गया, एस पी टू टू एस पी थ्री, ये फर्स्ट आंसर सही है। फिर स्टेटमेंट, मोलर गुण पदार्थ के एक मोल के लिए निकाय की एक व्यापक गुण का मूल्य है,
मोलर गुण का मतलब यही है कि एक मोल का क्या गुण होगा, तो ये बात तो ठीक है। और एक मोल पर यदि आप चले जाते हो, मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ डिफरेंस दो चीज़ों में, किसमें अंतर, मात्राश्रित गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रा स्वतंत्र गुण। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाते हैं अपन अक्सर, जो मात्रा पे निर्भर करते हैं, जो मात्रा पे निर्भर नहीं करते हैं। तो वहाँ मैं उदाहरण देते वक्त बताता हूँ कि यहाँ कोई भी गुण है उसके आगे यदि आपने विशिष्ट या मोलर लगा दिया तो वो मात्रा से स्वतंत्र हो जाएगा, वो मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी यदि मोलर आ गया आगे तो वो मात्रा पे निर्भर नहीं करेगा, सीधी पहचान है। तो द्रव्य की मात्रा n है तो ये द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। दोनों ठीक बातें कही हैं, ये सही उत्तर है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी में दो तरह के गुण पढ़े जाते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण और मात्राश्रित गुण। एक जो मात्रा पे निर्भर करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मात्रा पे निर्भर नहीं करता इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी गुण हो उसके आगे यदि विशिष्ट या फिर मोलर, स्पेसिफिक और मोलर, ये दो शब्द लग जाएंगे तो वो मात्रा से स्वतंत्र हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि दो स्वर्ग शब्द लगे, जैसे हाँ अपना कोई भी व्यक्ति है उसके आगे दो शब्द लग गए स्वर्गीय, तो वो स्वतंत्र हो जाता सब चीज़ों से। तो यहाँ पर भी ये दो शब्द हैं जो स्वतंत्र कर देते हैं, मोलर और विशिष्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो इंग्लिश का वर्ड लेकर के पूछ लिया गया। क्या पूछा देखते हैं, देखो डेल्टा टी बी बराबर के बी एम, के बी को क्या कहते हैं पूछा है। तो आप सबने ये तो पढ़ा होगा कि के बी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बट यदि वहीं आप देखोगे एनसीईआरटी खोल करके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखोगे, विलेन वाले में, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के कोष्टक में एक और चीज़ लिखी गई थी, और वो लिखी गई है ये वाली एबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। इसी को और क्या कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। ये चूंकि आ गया, पर यहाँ पे के एफ जो है जिसको आप पढ़ते हो मोलल अवनमन स्थिरांक, उसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये वाला। सही उत्तर तो ये है, पर के एफ को ये भी कहा जाता है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान देना, सही उत्तर है आपका एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इंग्लिश नाम है इसका जो यूज़ में ले लिया गया है। पर कभी के एफ पूछा जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक के अलावा इसके एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये याद रखना। फिर आ गया बहुत स्टेटमेंट वाला, फ्लोरीन पानी को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करता है, बिल्कुल करता है। एफ टू प्लस एच टू करोगे तो टू एच बन के ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्लोरीन पानी से क्रिया करके एच सी एल बनाता है, एच सी एल और एच ओ सी एल दोनों बनाता है, ये दोनों ही सही बातें। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 50% पेपर सॉल्व हो गया है बेटा अपना, आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ एक बार, आप देख लो। जय श्री कृष्णा। छब्बीसवां प्रश्न, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिया गया बेटा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। रॉबर्ट बुनसन ने तत्वों को पहचानने के लिए रेखीय स्पेक्ट्रा का उपयोग किया, सही बात है। गैस अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य के निरंतर प्रसार को नहीं दर्शाता, ये भी सही बात है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और बहुत सीधे सीधे से कथन हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए पूछा है कि x और y के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे धनात्मक होंगे। अब अभिक्रिया को ध्यान से देखो क्या है, यदि एच टू प्लस ओ टू, यहाँ एच टू ओ बन रहा है और यहाँ एन एच थ्री बन रहा है, दोनों का निर्माण हो रहा है। संभवन एंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, अपन कहते हैं जब भी किसी चीज़ का निर्माण होता है ऊर्जा निकलेगी, रिलीज होगी, और ऊर्जा जब भी निकलती है तो डेल्टा एच ऋणात्मक होगा। ये सही उत्तर है, दोनों के लिए ही ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। दोनों क्या है, अपने तत्वों से किसी पदार्थ का यदि निर्माण होता है तो उसको निर्माण की ऊष्मा, संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, और हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव होती है
और इस वजह से हम लोग कहते हैं दोनों ही हीट ऑफ फॉर्मेशन है, दोनों ही नेगेटिव होंगी। लोग क्या सोचते हैं यहाँ हीटिंग किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। रिएक्शन करवाने के लिए हीट कर रहे हैं बट फाइनली तो एनर्जी रिलीज ही होगी, तो दोनों ही ऋणात्मक होंगे, ये ध्यान देना। तो यहाँ क्या ट्रिक थी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन संभवन ऊष्मा हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। NaCl की जालक एंथैल्पी इतनी है, एक मोल गैसीय NaCl को एक मोल Na प्लस एक मोल Cl माइनस में अलग करने के लिए 788 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता है। देख करके बिल्कुल सही लग रहा है, समस्या क्या है, समस्या क्या है, जालक ऊर्जा जो होती है बेटा वो ठोस के लिए निकालते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठोस अवस्था से अपने आयनों में तोड़ो, पर यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ गैस दिया है, यहाँ भी इसने गैसीय दिया है, तो गैसीय के अंदर तो जालक ऊर्जा मानेंगे नहीं हम, तो ठोस अवस्था में ही मानेंगे। तो ठोस अवस्था से यदि अलग करते हो तो वो जालक ऊर्जा कहलाती है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आप ये कह सकते हो साहब कि चूंकि इस तरीके से दिया है तो जो बी है दोनों कथन गलत है, ये वाला सही उत्तर है हमारा। तो क्या कमी है, जालक ऊर्जा की बात कर रहा है। जालक ऊर्जा क्या होती है, एक मोल ठोस पदार्थों को उसके आयनों की गैसीय अवस्था में स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो ठोस पदार्थ जरूरी है, पर यहाँ दोनों जगह पे गैस गैस लिखा है तो ये गलत हो गया। सब कुछ सही लिखा था, बस एक गैस करके थे सब गलत कर दिया। अंकित ठीक हो बेटा, मैं आप कैसे हो, बी बीटा डी राइबोस में कुल कायरल कार्बनों की संख्या कितनी है, किरियल कार्बन फिर से वही जिसकी चारों संयोजकता अलग है वो किरियल कार्बन कहलाता है। बीटा डी राइबोस में निकलता हूँ यहाँ से, देखो इस तरीके से बीटा डी राइबोस पढ़ा ना आपने, कहाँ डीएनए आरएनए के अंदर, ये बीटा डी राइबोस है आपके, बीटा है तो ओएच ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सब जगह पे ओएच नीचे, यहाँ पर एच और सी एच टू ओ एच। किरियल कार्बन देखो, ये कार्बन किरियल है क्या देखते हैं हम, यस ये संयोजकता अलग, ये अलग, ये अलग, ओ एच और ये एच, चारों संयोजकता अलग है, ये किरियल है, इसकी भी चारों संयोजकता अलग है, देखो यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ कुछ और जा रहा है, ये भी किरियल है, इसकी भी चारों संयोजकता अलग है, ये भी किरियल है, भी चारों अलग है, ये भी किरियल है, एक दो तीन चार ये किरियल है, पर ये वाला कार्बन किरियल नहीं है क्योंकि इस पर दो हाइड्रोजन है। हम कहते हैं दो संयोजकता एक जैसी होगी तो वो किरियल नहीं होगा, तो ये किरियल नहीं है, तो ये वाला जो है आपके वो किरियल नहीं है, बाकी चार कार्बन किरियल है, सही उत्तर है चार। हाँ हाई लेवल नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हाँ एक जो लेवल पेपर है थोड़ी हमारी मेहनत की जरूरत थी इसमें, ये समझ गए, मैं वापस लेता हूँ। क्या कहा बेटा मैंने, किरियल ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं, किरियल। बीटा डी राइबोस यदि आपको सूत्र याद है, देखोगे एक दो तीन चार, इन चारों कार्बन की संयोजकताएं अलग अलग है तो ये किरियल है, पांचवा कार्बन है उसके दोनों संयोजकताएं एक जैसी है तो वो किरियल नहीं है। ये कर पाओगे, थोड़ा मेहनत का काम है ना, देखते हैं अपन। एक फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस आर टी एल एन के, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इन दोनों में रिश्ता हम निकाल सकते हैं, नहीं कैसे निकाले देखो, पहले ये ले लेते हैं के बराबर वन लेते हैं, एक एक बार मिटा मिटा करते हैं। चलो आगे जाके नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं ना, देखो डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस आर टी एल एन के, ठीक है ना, 2.303 वो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, लिख लो चलो बोले चाहो देख लो 2.303। अब देखो कंडीशन नंबर एक लेता हूँ मैं, जो यहाँ दिए वैसी ले रहा हूँ, यहाँ दिए के इज लेस देन वन, के एक से कम है, ठीक है साहब, के इज लेस देन वन, एक से कम तो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि के जो है, मान लो कि के जो एक से कम है तो पॉइंट एक है, के पॉइंट एक है तो एल एन के कितना हो जाएगा, लॉग के,
पॉइंट एक का जो लॉग है वो हो जाएगा आपके माइनस एक। हमारे फॉर्मूले हम डालते, देखो डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग के, लॉग के वो माइनस एक है तो इंटू माइनस एक कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जो भी उत्तर आता फाइनली प्लस में ही आएगा। तो अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब भी के एक से कम है तो डेल्टा जी जो है वो प्लस हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर के जब एक से कम है डेल्टा जी प्लस, प्लस जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। पहला वाला कॉम्बिनेशन तो एज इट इज सही है, दूसरा कॉम्बिनेशन में यही बता देता हूँ, देखो के बराबर एक है, के बराबर एक है तो जो एल एन के है लॉग के वो लॉग एक और वो हो जाएगा जीरो। तो k बराबर एक है तो log k और log k हो जाएगा जीरो। यहाँ आप जैसे जीरो लिखोगे आर टी इंटू जीरो सारा के सारा जीरो हो जाएगा। और सही बात है k बराबर एक है तो डेल्टा जी जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन को मिला दो तो ऑटोमेटिक तीसरा सही आ जाएगा। तो a का फर्स्ट, b का सेकंड, c का थर्ड, a का फर्स्ट, b का सेकंड, c का थर्ड, फर्स्ट वाला आंसर ही सही है। दिए गए समीकरणों में से एक मिनट कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ, हेलो क्लास में उठा। दिए गए समीकरणों में से जिनका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया की गति के तापमान निर्भरता को समझाने के लिए किया जा सकता है कौन सा समीकरण है, देखते हैं। यहाँ से ढूंढने से पहले मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा आरएनए समीकरण, मैं ये स्पष्ट लाइन लिखवाता हूँ, मैं यह स्पष्ट लाइन लिखवाता हूं कि अभिक्रिया के वेग पर तापमान के प्रभाव को समझाने के लिए आरएनएस ने एक समीकरण दी जिसे आरएनएस समीकरण कहते हैं। वो समीकरण अपन क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ये वाली के इज इक्वल टू ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, वो वाली समीकरण हम ये वाली पढ़ते हैं। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, देखो हमको माइनस ई ए का मान चाहिए, मैं लॉग लेता हूँ, लॉग लेना भी अपन सिखाते हैं। मान लो के का लॉग हो गया एल एन के, जब भी लॉग लेना है इसके आगे लॉग लिख दो, ए का लॉग एल एन ए, ये जो आधार वाला ई है बेस वाला ई इसको हटा दोगे तो वो लॉग लेने के बराबर ही हो जाएगा। इस ई को हटा दो, देखो ध्यान देना वापस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर के का लॉग लेना था मैंने एल एन लिखा लॉग के, ए का लॉग लॉग ए हो गया, पर जब आधार ई का लॉग लेना इसको हटा दो वो लॉग लेने के बराबर, ई को हटा दे क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस एल एन ए को यहाँ लाओ, लॉग के प्लस का एल एन ए यहाँ के माइनस का हो जाएगा एल एन ए बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको अच्छे से पता है कि लॉग जब कभी माइनस में हो तो बटे में लिखा जा सकता है, एल एन के बटा ए हो जाएगा, कहते हैं लॉग जब माइनस में है तो अपॉन में लिख सकते हो। इसको माइनस ई ए, आर टी को मैं अलग से लिखता हूँ, एक माइनस ई ए और इस आर टी को भी यहाँ ले आते हैं, आर टी यहाँ आ जाएगा, आर टी एल एन के अपॉन ए बराबर माइनस ई ए, ये वाला आपका सही उत्तर है, आर टी एल एन के अपॉन ए बराबर माइनस ई अपॉन ए। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा। लेवल था पेपर का मैं बिल्कुल ना भी नहीं कह रहा हूँ, पर बेटा यदि हमने तैयारी की है ना तो हम कर पाएंगे, कमी कहाँ रहती है प्रैक्टिस की, जिसने प्रैक्टिस की है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। पेपर वो ही था बस थोड़ा सा उसको डीप कर दिया है, ट्वेल्थ लेवल का ये बस डीप कर दिया है, बिल्कुल शुरू करेंगे बेटा हम लोग पढ़ाना। टू ये क्वेश्चन वास्तव में लेवल का कहा जा सकता है। टू एमिनो एथेनॉल के सबसे ज़्यादा स्थायी सरूपण में इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा। जनरली अपन क्या कहते हैं, स्थायी वो है जिसमें दोनों बड़े समूह दूर दूर हो जाएं। तो हम ये सोचते हैं साहब
कि यदि 2 एमिनो मेथनॉल का बनाना है हमको, क्या है दिखना, 2 एमिनो एथेनॉल NH2 CH2 CH2 OH, ठीक है, एक ये कार्बन हो गया, दूसरा ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लिख दिया आपने, एक NH2 एक NH2 लिख दिया। हम क्या सोचते हैं, OH को दूर रखेंगे, जनरली जो सोचा जाता है वो ये सोचा जाता है, ये दूसरा कार्बन, इस पे दो हाइड्रोजन है तो इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ रख दो और इस OH को यहाँ रख दो, ये दोनों दूर दूर होंगे और 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है, पर यहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी कब बनेगा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी तब बनेगा जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो ये NH2 है ये और OH पास पास आ जाते हैं ताकि इनमें इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, और जब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हमको पता है जब कभी बंध बनता है ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलने से स्थायित्व बढ़ता है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध बना के स्थायी हो जाएगा और इनके बीच जो कोण है वो कोण होगा 60 डिग्री का। वेलिन के लिए गलत, आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि वेलिन एक आवश्यक एमिनो अम्ल है और इसने यहाँ लिख दिया है कि वेलिन एक अनावश्यक है, तो ये गलत बात हो जाएगी। हम कहते हैं एमिनो अम्ल दो तरह के हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक, जो हमारे शरीर में बन जाते हैं उनको खाने में लेने की ज़रूरत नहीं है तो वो अनावश्यक कहलाते हैं, जो शरीर में नहीं बनते हैं उनको खाने में लेना ज़रूरी है वो कहलाते हैं आवश्यक। सीमेंट क्लिंकर को वजन के अनुसार एक्स पर जिप्सम, बता सकते हो सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं, पहले तो ये बताओ, जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल जिप्सम नहीं मिलाओगे तो तुरंत ही जो सीमेंट है वो जम जाएगी, हम नहीं चाहते कि सीमेंट मिलाते ही जम जाए, थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए हमको उसको यूज करने का, तो सीमेंट तुरंत नहीं जमे, उसका जो सेटिंग पीरियड है वो कम हो जाए, अब वो थोड़ा हो जाए, उसके लिए इसके अंदर 2 से 3% तक केवल जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये फिर से एक ऐसा प्रश्न है कि जिसको देख करके लोग सोचते हैं कि क्या प्रश्न सुनना, 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित में से किसकी चालकता सबसे कम है, किसकी चालकता कम होगी, हमको लगता है कि जल की चालकता कम होगी, पर ये गलत है, चालकता कम है टेफ्लॉन की। आप लोग यदि विद्युत रसायन वाला चैप्टर खोलते हो तो उस पर 76 या 77 पेज पर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में इन सबकी चालकताएं दे रखी हैं और उसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो किसकी चालकता कम है किसकी ज़्यादा है वो टेबल से ली गई है, तो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन से फिर थोड़ी ज़्यादा कांच की होती है, उससे ज़्यादा जल की और सबसे ज़्यादा क्यूब्रिक ऑक्साइड की है, उस टेबल में सबका क्रम दे रखा है। अच्छा प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि इकाई कोशिकाओं के किनारे लंबाई ए के संदर्भ में FCC BCC और SCC की त्रिज्या क्रमशः है, तो बेटा सीधी बात है, यदि त्रिज्या की बात करोगे तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है पैकिंग एफिशिएंसी उसकी त्रिज्या सबसे कम हो जाएगी और कम वाले की ज़्यादा हो जाएगी, एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं ऐसा, तो ये सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप FCC संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या सबसे कम हो सकती है, ये आ गई BCC बीच में, तो बीच में SCC की संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है सबसे कम होती है, त्रिज्या सबसे ज़्यादा हो गई, ये सही उत्तर है इसका, ट्रिक है ये, इसको आप मतलब उस तरीके से नहीं ले सकते हो। ये भी आप जो कह रहे हो पेपर टफ है, आपने यदि NCERT की एक एक लाइन पढ़ रखी है ना तो पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, ये लाइन साफ दे रखी है कि क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है, अधिशोषण और वितरण, और उसमें साफ लिखा गया है कि जो कागज वर्ण लेखन है वो वितरण क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है, केवल बी है वो ही इसमें है वितरण वर्ण लिखेगी।
एसिटिक अम्ल फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है। बिल्कुल सही बात है, एसिटिक अम्ल फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि आपने पढ़ी होगी संरचनाएं, एसिटिक अम्ल की जो दोनों संरचनाएं होती है अनुनादी संरचनाएं, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी समान होती हैं, और जब अनुनादी संरचनाएं समान होती है तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो एसिटिक अम्ल से जो एसीटेट आयन बन रहा है उसकी दोनों अनुनादी संरचनाएं समान होने की वजह से उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। इस वजह से एसिटिक अम्ल आसानी से H+ दे देता है, फिनोल से भी ज़्यादा आसानी से। तो एसिटिक अम्ल फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है, ये सही बात है, और क्यों है उसका रीज़न भी दे दिया कि एसिटेट आयन है, फिनोक्सिडेट आयन की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी है। ये एसिटेट आयन देखो, ये CH3COOH-, ये फिनोक्साइड आयन। एसिटिक अम्ल यदि H+ देता है तो एसिटेट आयन बनता है, फिनोल H+ देता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। दोनों H+ दे रहे, दोनों अम्ल है, कौन आसानी से H+ देगा? साहब H+ देने के बाद इनको यहाँ जाना है, एसिटिक अम्ल H+ दे के यहाँ जाएगा, ये आपका एसिटिक अम्ल H+ देगा तो ये बनाएगा, फिनोल H+ दे के ये बनाएगा, कोई कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ उसको स्थायित्व ज़्यादा मिले। होता है जनरली लोग अपनी जो जॉब है, अपनी जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई लोग जो भाई लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, पर यदि वो थर्ड ग्रेड टीचर भी बनने मिलता है तो वो तुरंत वो प्राइवेट नौकरी छोड़ करके गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। पूछा जाए कि भाई तू लाख रुपये छोड़ के 40,000 रुपये गवर्नमेंट जॉब पे क्यों आया? उसका उत्तर होता है कि यहाँ स्थायित्व है। तो स्थायित्व की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ दुनिया भागती है, ठीक वही काम ये भी कर रहे हैं। ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जल्दी कौन जाएगा? जिसको ज़्यादा स्थायित्व मिलेगा। इसकी तुलना में एसिटेट आयन ज़्यादा स्थायी है, और चूंकि ये ज़्यादा स्थायी है तो फटाफट यहाँ आएगा, H+ आसानी से देगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। इससे कम स्थायी है तो एक थोड़ा रोके धीरे धीरे H+ देगा। तो ये वाली कंडीशन है। तो कौन सा सही है नहीं बताया मैं? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। किसी भी ताप पर किसी विलायक के दिए गए द्रव्यमान में खुली गैस का द्रव्यमान विलायक के ऊपर गैस के दबाव के समानुपाती होता है। हेनरी नियम में भी यही कहा गया है कि गैस की विलेयता है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। तो पहली बात तो ठीक है। साम्यावस्था पर, साम्यावस्था का मतलब क्या है? समान अवस्था, समान दर। अग्र अभिक्रिया और प्रतिप अभिक्रिया दोनों की दर यदि समान हो जाए तो साम्यावस्था कहलाती है। वही बात यह कह रहा है, साम्यावस्था पर शुगर के घुलने की गति, शुगर के क्रिस्टलीकरण की गति के बराबर। बिल्कुल, साम्यावस्था तभी आएगी जब दो विपरीत प्रक्रम बराबर हो जाएं। जिस गति से शुगर अंदर घुल रही है उसी गति से वापस क्रिस्टल बना रही है। अग्र अभिक्रिया प्रतिप अभिक्रिया दोनों की दर बराबर हो गई, समान अवस्था में आ गए, तो ही वो साम्यावस्था कहलाता है। तो ये बात भी सही है, ये हेनरी नियम से सही है, ये साम्यावस्था से सही है, दोनों सही हैं। तो एक वाला सही है, कथन एक और दो दोनों सही हैं। निम्नलिखित हेलो एल्केनों में से किसकी क्रियाशीलता जलीय क्योज में सबसे कम है? सबसे कम पूछा है। पहले हेलोजन की बात कर लेते हैं। SN अभिक्रिया में F से ज़्यादा क्रियाशील Cl है, उससे ज़्यादा Br है, उससे ज़्यादा I है। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, यही क्रम है। क्या क्रम है? F से Cl ज़्यादा क्रियाशील, उससे Br ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कौन है? I क्रियाशील है। कारण आई का आकार बड़ा है, वो आसानी से हटता है। हमको क्या पूछा है? सबसे कम कौन क्रियाशील है? क्या क्या देखो, सी एल है, बी आर है, और आई है। आई और बी आर की तुलना में सी एल कम क्रियाशील है। देखो बी आर और आई से ये कम है, या तो ये उत्तर हो सकता था या फिर ये हो सकता था। पर हम यदि एस एन टू की बात करें तो एस एन टू के अंदर आप लोग कहते हो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री कम है, 3 डिग्री और कम है। अब इन दोनों की तुलना करते हैं हम लोग। इन दोनों की तुलना में आप देखोगे कि ये वाला जो है 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। हमको पूछा गया कम क्रियाशील कौन है, तो 1 डिग्री तो ज़्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री कम क्रियाशील है, ये उत्तर सही होगा। तो यहाँ दो फैक्टर लगेंगे, पहले तो हेलोजन के आधार पर हम देखेंगे। तो आपने चारों हेलोजन देखे, आपने कहा सर Cl जो वो सबसे कम क्रियाशील होगा, इसको तो आई और बी आर को हमने हटा दिया,
वन डिग्री टू डिग्री में टू डिग्री कम क्रियाशील है, तो ये सही उत्तर हो गया। किस अभिक्रिया में अभिकारक की अपेक्षा कम कार्बन का एमिन उत्पाद मिलेगा? कम कार्बन किस में मिलेंगे? देखो कार्बन किस में निकल रहा है, इसके अंदर तो NH2 बनेगा, कार्बन नहीं निकल पाएगा। ये नाम सुना होगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसके अंदर Na2CO3 बन के CO निकल जाता है और आपके बनता है इस तरीके से NH2। चूंकि Na2CO3 प्रोसेस में CO निकल रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, इसने भी यही पूछा कि इसमें कार्बन कम होता है। सी वाला सही उत्तर है, सी ओनली सही उत्तर हो जाएगा, इसमें एक कार्बन में कमी आएगी और किसी में भी एक कार्बन में कमी नहीं आएगी। सीधा है, एक्रोलिन और पेन का फॉर्मूला पूछा है बेटा, एक्रोलिन और पेन का फॉर्मूला ये रहा। एक्रोलिन क्या है? एक्रेलडिहाइड है, ये एक्रेलडिहाइड। पेन परोक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, देखो एसिटाइल ये होता है, नाइट्रेट ये NO3 और परोक्सी ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गया। पता ना, पेन फोटोकेमिकल स्मोक में होता है, प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। ये जल की कठोरता और धातु कर्म को मिक्स करके दिया है, ये जल की कठोरता और धातु कर्म को मिक्स करके दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड कहाँ काम आता है बोलो? जल की कठोरता को दूर करने के लिए। जल की कठोरता क्या है? जल की कठोरता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण होते हैं वो जल की कठोरता है। यहाँ देखो ये मैग्नीशियम का लवण है, होता है जो CaOH2 है, इसको क्लार्क रिएजेंट भी कहते हैं, ये वाली क्लार्क अभिक्रिया है। तो ए का तो हो गया, आपके सेकंड आ गया। चलो क्लार्क अभिकर्मक है ये, इससे क्रिया करके अवक्षेप बनेगा, नीचे बैठ जाएंगे तो जल की कठोरता दूर हो जाएगी। कालगंस मेथड, ये भी एक तरीके से जल की कठोरता को दूर करता है। जब कठोर जल में हम कपड़े धोते हैं तो हमको पता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण है, वो साबुन से क्रिया कर लेते हैं और साबुन से क्रिया करने की वजह से साबुन वेस्ट जाता है, झाग कम बनते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि या तो उनको हटा दो या ऐसा कुछ करो कि वो साबुन से क्रिया नहीं करें। तो कालगन मेथड में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट लिया जाता है, इसको कालगन रिएजेंट भी कहते हैं। ये जो कालगन रिएजेंट है बेटा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से क्रिया करता है और ऐसा पदार्थ बनाता है जो साबुन से कोई क्रिया नहीं करेगा। तो ये साबुन से क्रिया कर रहा था, इसने इससे क्रिया करके ऐसा पदार्थ बना दिया जो साबुन से क्रिया नहीं करेगा, तो एक तरीके से जल की कठोरता वो दूर हो गई। तो हमने कहा बी का जो है वो हो गया थर्ड, थर्ड या कौन सा था, हाँ कास्टनर केलनर मेथड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो काम आता है, ये वाला फोर्थ, सी का फोर्थ। और मोंट प्रोसेस, ये आपने आसान देखा होगा, ये वाला निकल वाला है, मोंट अभिक्रिया हम पढ़ते ही हैं निकल के परिष्करण में, रिफाइनिंग ऑफ निकल के अंदर ही पढ़ते हैं कि इसके CO से अभिक्रिया करवा के Ni CO4 बनाते हैं, फिर वापस गर्म करते हैं तो CO निकल जाता है, Ni मिलता है। अच्छा उत्तर मैच करना है आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये वाला सही उत्तर है। देखो नेक्स्ट, फिर आ गया, जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी कॉपर से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जिंक तो 3D 4S2 है, कॉपर का है 3D10 4S। जब भी किसी भी आयनन एंथैल्पी होने की बात आती है तो अधिकतर केस में हम लोग देखते हैं कि आयनन ऊर्जा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि या तो उसके पास अर्धपूरित विन्यास है या पूर्ण पूरित विन्यास है, या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बात, अब हमको यही चेक करना है इससे का सब कि जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी कॉपर से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, ये नहीं देगा तो इसके ज़्यादा है, पहला कथन सही है। जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी कॉपर से कम है, इसकी कॉपर से कम है, देखते हैं अपन चेक करते हैं।
कॉपर क्या बनाता है, द्वितीय पूछा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d10, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो कॉपर का पूर्ण प्रतिविन्यास हो गया, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, ये बात भी ठीक है। जिंक की प्रथम स्थिति ज्यादा है क्योंकि उसका पूर्ण प्रतिविन्यास है, फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन है। कॉपर की द्वितीय इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो फुली फिल्ड हो जाता है, पूर्ण पूरित हो जाता है, तो इसलिए कॉपर जिंक की प्रथम और कॉपर की द्वितीय ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही हैं। वेरी गुड इवनिंग। ये सीधा सा क्वेश्चन था बेटा, हम सबको पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा निदेशक है, परंतु इस एच प्लस की वजह से क्या होता है, तो एनिलीन है बेटा, ऑर्थो पैरा भी देगा, ये सही बात है। मेटा क्यों दे रहा है, क्योंकि जैसे ही एच प्लस इसके पास जाएगा, एच प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, ऐड होने की वजह से H3+, और H3+ है वो कहीं ना कहीं मेटा डायरेक्टिव की काम करता है, मेटा निदेशक है, तो इसकी वजह से ऑर्थो पैरा मिलते हैं, जबकि इसकी वजह से मेटा मिलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एनिलीन आयन रिएक्शन, ये जो एनिलीन से एनिलीनियम बनता है, इस एनिलीन की वजह से ही हमको भी मिलता है। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, आप सबने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। देखो ये क्वेश्चन, क्रांति तापमान से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइवाष्प कहते हैं, ये क्रांतिक ताप गैस के दाब लगाकर द्रवित किया जाता, बिल्कुल अधिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं कर सकते हो, पर उससे कम ताप पर कर सकते हो। ये तो सही है, ये गलत है, फर्स्ट गलत, सेकंड सही, ए सही है परंतु आप गलत हो जाएगा आपका सी। कौन सा लिखा अपने, सॉरी है मैंने उल्टा बोल दिया, ये गलत है ना, गलत है परंतु आर सही है। ये पूछ रहा है कि इसकी किस पोजीशन पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़े कि न्यूक्लियोटाइड बने। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैव अणु पढ़ा होगा कि जब 1- कार्बन पर राइबोज है जो भी आप ले रहे हो, उसके 1- क्षारक जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड के 5- कार्बन पर, 5वें कार्बन पर जब फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। 5वें कार्बन पर जुड़ेगा, 5वां कार्बन गिनना है यहाँ से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये वाला, ये जो कार्बन है 5वां कार्बन है। जो सी है वो सही उत्तर है, केवल सी पे जुड़ेगा। वापस से सुन लेना, शर्करा के 1- कार्बन पर, पहले कार्बन पर, ये शर्करा थी आपकी, इसके पहले कार्बन पर जब एक क्षारक जुड़ा, बेस जुड़ा, तो न्यूक्लियोसाइड बना, और 5वें कार्बन पर जब फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आवाज नहीं आ रही क्या बाकी को भी? सिग्मा और पाई बंद, बेटा ये तो बताने लायक क्वेश्चन भी नहीं बचा ना, इतना आसान क्वेश्चन है कि सिग्मा और पाई बंद कितने, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ इसको। देखो आप इसको अपन खोल के लिखेंगे, बेंजीन है, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, सबके एक एक बॉन्ड बाहर निकल। पहले कार्बन पे जहाँ कुछ नहीं, वहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर सी, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, यहाँ कुछ नहीं है तो एच, यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। अब आप आसानी से गिन सकते हो, पाई बॉन्ड गिन लो पहले, तो पाई बॉन्ड कितने, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ पाई बॉन्ड के लिए, ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 3, 4, 5 और 6 पाई बॉन्ड तो है आपके 6। अब आपको गिनने हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा गिनना, 6 तो ये 3, 4, 5 और 6,
बाहर से गिनते हैं, सातवां, आठवां, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, ये 15, 18, सिग्मा हो गए 18, पाई 6 सिग्मा 18, पाई 6 सिग्मा 18 रखा है, देखो ये 18 सिग्मा और 6 पाई बंद, ठीक है, समाप्ति की ओर है लगभग। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, औक्सीकारक और औपचारिक पहचानने, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ प्लस करके। अच्छा क्वेश्चन है, औक्सीकारक औपचारिक कौन है वो? हाँ ये वाला है, Pb3O4 प्लस 8HCl, PbCl2 बनाया, मैं बैलेंस करके नहीं नॉर्मल लिख रहा हूँ, प्लस क्लोरीन बनाया है, प्लस जो भी हो, ठीक है ना, पानी H2 लिख देते हैं। ऑक्सीकारक अपचायक पहचानने, देखना आपने जब भी Pb3O4 के बारे में पढ़ा था, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ जो स्पेशल एग्जाम्पल हैं उसमें हम बता देंगे जो लेड ऑक्साइड का जो फॉर्म है ये वास्तव में दो लेड भी यहां गया, इसका ऑक्सीडन कितना है PbCl, सर प्लस 2 आ रहा है, ये तो प्लस 2 था, प्लस 2 ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, पर यहां आप देखो ये प्लस 4 से ऑक्सीजन में कमी आई बेटा, ऑक्सीजन में कमी आती है तो हम लोग कहते हैं अपचयन हुआ, और जिसका खुद का अपचयन होता है ना वो दूसरे का ऑक्सीजन करता है वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। तो हम लोगों ने कहा कि PbO2 तो ऑक्सीकारक हो गया। अब यहाँ आप देखो ये Cl माइनस है, ये -1 में है, -1 से ये तत्व में आ गया, तत्व में ऑक्सीजन हो सके तो जीरो, तो हम लोग कहेंगे Cl जो है Cl माइनस से क्लोरीन बना रहा है, मतलब -1 से जीरो में जा रहा है। आप सबको होता है -1 से जीरो, -1 से जीरो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन अंक बढ़ रहा है, ऑक्सीजन अंक बढ़ने का मतलब यह सब ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण जिसका खुद का होता है वो दूसरे का अपचयन करता है, तो ये अपचायक है। तो आप कहोगे कि PbO2 तो ऑक्सीकारक है, Cl माइनस अपचायक है, PbO2 ऑक्सीकारक है, Cl माइनस सब चाहेगा, ये सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, कप्पा सूचक प्रतीक है, कप्पा आपको पता है विशिष्ट चालकता का है। क्वेश्चन तो बेटा हो गए, आप सभी को धन्यवाद, आप इतनी देर तक जुड़े रहे, हमने ये देखा और मैंने बार बार कहा कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो हम एनसीईआरटी पढ़ ले पूरी और इजीली पास हो जाएं, कमी क्या रहती है? तो पेपर में आपने देखा होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं, पर ये बात बच जाती है कि उसको सॉल्व कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो सॉल्व और प्रैक्टिस करने के लिए ही कहीं ना कहीं हमको कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं। तो मैं जनरली कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपके पास जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हों वो सॉल्व करो, यदि आपकी कैपेसिटी है, आपके पास इतना अमाउंट है कि आप कहीं पर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सको तो वो करो, ऑफलाइन कर सको तो और बेटर है, ये सब नहीं भी कर सको तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो। मैं केवल रॉयल के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर भी ज्वाइन कर लो, आपके दोस्तों के पास भी क्वेश्चंस पुराने अवेलेबल हैं तो वो भी सॉल्व करो, ये सारा तरीका है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने ये पेपर सॉल्व किया ना, देखो लगभग हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं। अच्छा जिस चैप्टर से इस साल नहीं आए उस चैप्टर से लास्ट ईयर आ गए होंगे, तो कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैंने कहा था साम्यावस्था ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा चैप्टर है जिसे तीन क्वेश्चन आते हैं लगभग इस साल छोड़ दिया जाए तो। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी पॉइंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखिएगा। सभी को धन्यवाद एक बार पुनः, थैंक यू सो मच बेटा।